हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात की एक डिश जिसका नाम है दुधीना मुठिया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से कीजिए और चलिए इसे बनाते हैं। दोस्तों, ये डिश लौकी से बनती है। ये यहाँ पर हमने करीब 250 ग्राम ताज़ा लौकी ली है। इस लौकी को हम पहले इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे और फिर इसको ऐसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करके जो इनका ये अंदर का सफ़ेद हिस्सा है हम इसको चाकू की मदद से बिल्कुल निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ऐसे अंदर का ये जो सफ़ेद हिस्सा है हम हर लौकी के टुकड़े में से अलग कर देंगे और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों, ये हमने मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम इसमें से जो पानी है लौकी का वो हम निकाल देंगे। हाथों से ऐसे निचोड़ देंगे इनको। लौकी को हम ऐसे निचोड़ करके पानी निकाल लेंगे। दोस्तों, ये देखिए हमने पानी निकाल करके अलग कर दिया है। आप चाहें तो इस पानी को किसी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं या फिर ये जिनको हाई बीपी रहता है वो अगर लौकी का पानी पिएं, लौकी का जूस पिएं तो उसमें ना आराम मिलता है, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, ये हमने आधा कप सूजी ली है। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ आटा लिया है। 4 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर बेसन लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे। हमने सूजी डाली है, आटा डाल देंगे, बेसन डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक डो तैयार कर लेंगे। दोस्तों, ये देखिए हमने डो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ये कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे और ये हरी मिर्च जो हमने काट ली है वो डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च डाल देंगे, स्वादानुसार ही लाल मिर्च हमको डालनी है। इसके साथ ही हम ये धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, थोड़ी सौंफ पाउडर डाल देंगे थोड़ा, और ये नींबू का रस इसमें डाल देंगे। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, थोड़ी सी चीनी भी इसमें डाल देंगे हम। ये हमने मीठा सोडा लिया हुआ है, हम इसको भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे। इससे ये काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। अब हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इनसे रोल बनाएंगे। रोल बनाने से पहले हम अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसमें से इतने बड़े बड़े 3 से 4 रोल बना लेंगे। आप रोल छोटे या बड़े कर सकते हैं। ये हमने इस साइज का रोल हमने बना लिया है और ऐसे ही हम बाकी के सारे रोल जो हैं वो बना करके तैयार कर लेंगे अपने बचे हुए डो में से। दोस्तों, अब ये जो रोल हैं उन्हें हम स्टीम करेंगे। उसके लिए हमने ये इडली मेकर लिया है
और इस इडली मेकर में हम ये एक ऐसी जो प्लेट आती हैं जिनमें छेद होते हैं वो हम इसमें ऐसे फिट कर देंगे। और ऐसा करने से पहले हम अपनी प्लेट पर इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे प्लेट को, ताकि जब हम इसके ऊपर रोल रखें तो वो चिपक ना जाए। इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और इडली मेकर में हम लगभग एक कटोरी पानी गरम करने के लिए रखेंगे। जैसे ही उसमें से भाप निकलने लगेगी हम उसमें अपनी ये प्लेट रख देंगे और इनके ऊपर अपने रोल रख देंगे। हल्के हाथ से हम रोल उठा करके ऐसे प्लेट पर हम रख देंगे। ये हमने सारे रोल रख दिए हैं। अब हम इन्हें कम से कम 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे और इसको ढक कर के रख देंगे। 10 मिनट बाद अपने रोल हम चेक कर लेंगे। इसमें हम चाकू डाल करके चेक करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है चाकू पे, ये बिल्कुल बन चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इनको बाहर निकाल करके ठंडा करेंगे। ये हमने सारे रोल अपने बाहर निकाल लिए हैं, अब इनको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये रोल हमारे अब ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। लगभग इतने बड़े पीसेस में हम रोल्स को कट कर लेंगे। हम आपको ये पीस दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से पक करके तैयार होते हैं। ये हमने अपने सारे रोल्स देखिए काट लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे थोड़ा। हमने एक कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच भर के वेजिटेबल ऑयल लिया है, जिसे हम गर्म कर लेंगे। गर्म होने पर अब हम इसमें राई के दाने डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और कुछ करी पत्ते डाल देंगे। इनको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा चला देंगे। गैस हमारी मीडियम है और अब हम इसमें एक एक करके अपने सारी मुठिया डाल देंगे। और इनको अलट पलट करके फ्राई करेंगे। इनको बहुत हल्के हाथ से हमें अलटना पलटना है। ये देखिए, हमने अपने सारे मुठिया पलट लिए हैं। इनको ऐसे मिक्स कर लेंगे इस तड़के में। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद तिल जो आते हैं उनका भी तड़का लगा सकते हैं। अब हम इनके ऊपर ये नींबू का रस डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मुठिया बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके की डिश है और काफ़ी हेल्दी डिश है, क्योंकि इसमें लौकी है, बेसन है, आटा है। हम इनको और डिलीशियस बनाने के लिए इनके ऊपर चाट मसाला ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और आप इनको चटनी या सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। हम आपको ये तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर से ये कितने सॉफ्ट बनते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।